और तारे गिन रहे हैं, उनके रंग पर चर्चा कर रहे हैं, तारों के रंग पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों दुखी आत्माएं एक दूजे का दर्द बांट रहे हैं, हे प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दें, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। फिर आ रहा है, आप दोनों का एनालिसिस देखकर सच में आंख में आंसू आ गए, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है। और जो जो मीम्स टाइप का जो बना करके रखा है, इमोजी जिसको आप कहते हैं, वो जो बनाया है उसमें रोते हुए आंख का पर आंख को पोछ रहा है, उसका एक फोटोग्राफ इन्होंने डाला हुआ है। आदरणीय योगेंद्र जी जो न्याय यात्रा के साथ भी रहे हैं, इतनी नाउम्मीद से इंडी गठबंधन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जो उनकी बेबसी दर्शाती है। दो दुखी आत्माएं तंत्र मंत्र आजमा सकती हैं और अपने सपनों के प्रभाव के लिए टोटका भी आजमा सकती हैं। ऐसा लगता है कि दो आत्माएं एकांत स्थान पर पेड़ की शाखा पर बैठी हैं और वहां दर्द साझा कर रही हैं। अब ये सब प्रतिक्रिया चल रही है। ये YT शुड पुट दिस इन फिक्शन, YouTube शुड पुट दिस इन फिक्शन, ये YouTube को YT लिख रहे हैं, YouTube शुड पुट दिस इन फिक्शन, उसको कह रहे हैं कि इस फिक्शन वाले कैटेगरी में इसको डाल दीजिए। सक्सेस इज प्रोडक्ट ऑफ मेनी एट्रीब्यूट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस बीइंग पर्सोना, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड अबव ऑल एस्ट्रोलॉजिकल स्टेटस, यू मे पुट इन द बेस्ट बट कांट चेंज डेस्टिनी। अब ये समर्थन में है, विरोध में है या सरकास्म है, ये आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आ रहा है जो बचपन में सुना था, दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ के हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। योगेंद्र जी वुड बी मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस डिफीट, वो कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव जी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं कांग्रेस की हार का। आई एंजॉयड द मोस्ट दिस इंटरव्यू, आई एम सो हैप्पी, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, सच ए ब्रॉड स्माइल ऑन माय फेस। ये भी अब ये सरकास्म है या तारीफ है मैं नहीं मानता। वेट फॉर अनदर 50 years, लोग लिख रहे हैं, वेट फॉर अनदर 50 years एंड बोथ ऑफ यू वुड बी मेड PM एंड डिप्टी PM रेस्पेक्टिवली। 50 साल इंतजार कीजिए, आप दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वेरी स्टाइलिश एंड क्लेवर फुल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ बोथ अलायंस बाय योगेंद्र यादव इज जस्ट हिपोक्रिटिकल। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।